आज देश में पेटीएम यूजर्स की संख्या करीब 20 करोड़ है। अगर आप डिजिटल वॉलेट पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि पेटीएम 1 जुलाई से मर्चेंट डिस्काउंट रेट का बोझ ग्राहकों पर डालने की तैयारी में है। इस खबर के बाद पेटीएम यूजर्स की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब कंपनी ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। पेटीएम ने कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलेगा। कंपनी ने कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर किसी भी मोड से किया गया डिजिटल पेमेंट फ्री है। पेटीएम ने मीडिया की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि वो ग्राहकों से भविष्य में भी चार्ज नहीं लेगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए ट्रांजैक्शंस पर 12 से 15 रुपए तक का चार्ज लगा सकता है, लेकिन पेटीएम ने यह साफ कर दिया कि ग्राहकों से कोई भी अतिरिक्त चार्ज लेने की उसकी योजना नहीं है। बैंक और कार्ड कंपनियां डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए MDR लेते हैं। MDR उस फीस को कहा जाता है जिसे दुकानदार क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहकों से लेते हैं। ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा पर लगने वाली फीस है। ये फीस दुकानदार को नहीं मिलती है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट पर MDR की रकम 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को मिलता है। इसके बाद कुछ हिस्सा उस बैंक को मिलता है जिसकी पॉइंट ऑफ सेल्स यानी POC मशीन दुकानदार के यहाँ लगी होती है। आखिर में MDR का कुछ हिस्सा पेमेंट कंपनी को मिलता है। पेटीएम इस चार्ज का बोझ खुद उठाती है और अपने प्लेटफॉर्म से होने वाले पेमेंट्स के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज नहीं लेती है। और पेटीएम ने यह साफ किया है कि वो आने वाले समय में भी ग्राहकों से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगी।